तो दोस्तों आज वीवो प्रो कबड्डी सीजन 9 का पहला दिन खत्म हो चुका है और पहले दिन के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है जिसमें सभी खिलाड़ियों को अवार्ड मिलता है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला मैच हुआ यूमुम्बा दबंग दिल्ली के बीच, तो इसी मैच को दबंग दिल्ली ने बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो इस मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने नवीन कुमार, जिन्होंने 13 रेड पॉइंट निकाला, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। नवीन कुमार ने इस मैच में 23 रेड किया जिसमें उन्होंने 13 रेड पॉइंट निकाला 57 के स्ट्राइक रेट से। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने संदीप धूल, जिन्होंने 4 टैकल पॉइंट लिया, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। संदीप धूल ड्रीम इलेवन में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट निकाला 100 फैंटेसी पॉइंट और 4 टैकल पॉइंट निकाला डिफेंस से। जेके सुपर सीमेंट मोमेंट ऑफ द मैच बने नवीन कुमार, जिन्होंने एक बेहतरीन रेड किया जिसमें उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट किया, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। उन्होंने जाके सीधा रिंकू से साइड में होकर उन्होंने 2 पॉइंट निकाला। तो नेक्स्ट आता है बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटन्स के बीच दूसरा मैच हुआ, इसी मैच को बेंगलुरु बुल्स ने 5 पॉइंट से जीत लिया। तो इसी मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने नीरज नरवाल, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इस मैच में, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। नीरज नरवाल ने इस मैच में 5 रेड पॉइंट और 2 टैकल पॉइंट निकाले। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने महेंद्र सिंह, जिनको 25,000 रुपये दिया गया, उन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट निकाला ड्रीम इलेवन में, उन्होंने इस मैच में 4 टैकल पॉइंट और 98 ड्रीम इलेवन में फैंटेसी पॉइंट निकाले। नेक्स्ट आता है बीएसटी मोमेंट ऑफ द मैच, जो इस मैच में मोमेंट ऑफ द मैच रहे वो रहे भारत, जिन्होंने डूअर डाई रेड में 2 पॉइंट निकाले, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से डूअर डाई रेड में उन्होंने 2 पॉइंट निकाले। तो नेक्स्ट आता है यूपी योद्धा और जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच मैच हुआ आखिरी मैच, तो इस मैच को यूपी योद्धा 2 पॉइंट से जीत लिया। तो इसी मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने प्रदीप नरवाल, जिन्होंने इस मैच में टोटल 7 रेड पॉइंट निकाले, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। प्रदीप नरवाल ने 11 रेड किया और 7 रेड पॉइंट लिए जिनमें उनका स्ट्राइक रेट था 64% का। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने आशु सिंह, जिनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। आशु सिंह ने फैंटेसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, उन्होंने 92 फैंटेसी पॉइंट निकाले और 4 टैकल पॉइंट, तो इसी वजह से उनको अवार्ड मिला। फेयर प्ले फैंटेसी मोमेंट ऑफ द मैच मिला प्रदीप नरवाल को, जिन्होंने इस मैच में एक आखिर में बेहतरीन डुबकी लगाया जिसमें एक पॉइंट में आया, तो इसी वजह से यूपी योद्धा इस मैच को जीते, उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म होने के बाद जो 3 बेहतरीन रेडर होते हैं उनके साथ एक सेल्फी लिया गया, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा खुश दिखे सभी रेडर। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।